हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजी टुडे। ये है ग्रामर का आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है भाई, इससे पहले मैंने टेंस डाला था सबसे स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने प्रोनाउन डाला, उसके बाद मैंने एडजेक्टिव डाला। अब ये फोर्थ लेक्चर है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ठीक है, तो वो पहली वीडियो है इस टॉपिक की। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है? इन अ सेंटेंस द वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट। वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री करनी चाहिए, या फिर वर्ब इज़ यूज अकॉर्डिंग टू द पर्सन या नंबर। जो पर्सन या नंबर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ पे बेस्ड है जो ये चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो पहला रूल है इसमें, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट बाय द गिवन कंजंक्शंस देन द वर्ब इज़ यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो कंजंक्शंस मैंने लिखे हुए हैं नीचे आपको बता रखा है। ठीक है, जैसे एज वेल, अलॉन्ग विद, नथिंग बट, अनलाइक, लाइक, एक्सेप्ट, ये सब जितने भी हैं, अगर ये आपको ये सेंटेंस में दिखते हैं तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो पहले दिया हुआ हो सब्जेक्ट। जैसे राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो राम के अकॉर्डिंग आएगा इज। माय फादर अलॉन्ग विद माय सिस्टर एंड माय ब्रदर हैज़ बीन टू आगरा। ठीक है, तो माय फादर के अकॉर्डिंग क्या आया? हैज़। ठीक है, इंडिया अनलाइक अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, तो अनलाइक आ गया इंडिया से, तो इंडिया के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज। यू रादर देन योर फ्रेंड्स आर अक्यूज ऑफ द मर्डर, ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आया? आर। ठीक है, तो ये है यूजेस, जो कंजंक्शंस के हिसाब से, कंजंक्शन अगर आपको सेंटेंस में दिख गई तो वर्ब किसके हिसाब से लगाना है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय द गिवन कंजंक्शंस द वर्ब विल एग्री द नियर। अब कुछ और कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो अगर आपको सेंटेंस में मिलेंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, और नॉर, बट, नॉन बट। ठीक है, तो ये सब जो कंजंक्शंस हैं ये अगर आपको सेंटेंस में दिखते हैं तो वर्ब आएगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, तो नियरेस्ट किसका है? हिज फ्रेंड्स है, तो हैव आया। नन बट द पॉलिटिशियंस, नन बट के पास क्या है? द पॉलिटिशियंस प्लूरल है, तो आर आया। ऐसी नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, टीचर है पास बट ऑल्सो के, ठीक है, तो वॉस, तो ये आपके यूज। अगला है मोर देन, ये आपके पास अब स्ट्रक्चर्स दे रखे, मैंने बता रखे आपको। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर फॉलो होंगे इसमें। ठीक है, जैसे मोर देन वन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, मोर देन टू थ्री फोर अगर है तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, मोर देन अगर वन है तो सिंगुलर रहेगा, और मोर देन टू थ्री फोर कितना भी हो तो प्लूरल रहेगा। जैसे मोर देन टू स्टूडेंट्स प्लूरल आ गया, विल बी इन्वाइटेड टू द पार्टी। मोर देन वन, मोर देन वन यानी सिंगुलर रहना, यानी सोल्जर डाइड इन द कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है मैनी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, मैनी अ या एन, तो मैनी के साथ प्लूरल, और मैनी अ या मैनी एन के साथ सिंगुलर। जैसे मैनी अ आ गया, मैनी अ चीफ गेस्ट हैज आ गया, या मैनी पीपल आ गया तो आर आ गया, क्योंकि मैनी किसके साथ यूज होता है? प्लूरल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट द परसेंटेज ऑफ, अब द परसेंटेज ऑफ में क्या है? द परसेंटेज ऑफ आपको कहीं भी दिखेगा, अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। जैसे द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज 210, द परसेंटेज ऑफ केक वॉज वेरी मच। ठीक है, तो इज वॉज क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब। अगला है 3, 4, 5% ऑफ, अब 3, 4, 5 तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कितने भी मतलब परसेंट अगर हो, परसेंट ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब, और परसेंट ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ या अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, कैसे? 20% ऑफ द वर्क, 20% ऑफ द वर्क, वर्क क्या है? अनकाउंटेबल, इसलिए क्या आया? सिंगुलर हैज। 90% ऑफ दिस मैंगो, मैंगो क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या आया? इज। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए आया आर। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ है प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, अ नंबर के साथ प्लूरल वर्ब। कैसे? द नंबर ऑफ पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज, द नंबर के साथ सिंगुलर, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ नंबर के साथ प्लूरल है। ठीक है, अगला है अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर, प्लूरल काउंटेबल है तो प्लूरल। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, बस प्लूरल काउंटेबल के साथ ही प्लूरल रहेगा, बाकी अनकाउंटेबल हो चाहे सिंगुलर हो उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी रहेगी। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, अ लॉट ऑफ वर्क इज येट टू बी डन, अ लॉट ऑफ वर्क, वर्क क्या है? अनकाउंटेबल, इसलिए इज। लॉट्स ऑफ मनी, मनी क्या है? अनकाउंटेबल, इसलिए हैज़।
लॉट्स ऑफ रुपीज़, अब रुपीज़ हम काउंट कर सकते हैं, मनी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए रुपीज़ के साथ क्या आया, प्लूरल काउंटेबल है, रुपीज़ है, इसलिए किसके साथ क्या आया, है। ठीक है, तो ये है आपके यूजेस। अगला है टू नेगेटिव वर्ड्स कैन नॉट बी यूज इन वन क्लॉज, एक क्लॉज में दो नेगेटिव वर्ड कभी भी यूज नहीं हो सकते, कैसे, द एक्यूज डिनाइड, डिनाइड यानी नेगेटिव वर्ड है, दैट ही वॉज नॉट, नॉट एक और नेगेटिव वर्ड आ गया इसलिए नॉट को हम हटा देंगे, तो सेंटेंस बनेगा द अक्यूज डिनाइड दैट ही वॉज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ मर्डर। अगला है अनलेस, अनलेस फिर नेगेटिव वर्ड है, तो अनलेस यू आर विद मी आई कैन नॉट विन द रेस ऑफ लाइफ, नॉट हट जाएगा, ठीक है, तो दो नेगेटिव वर्ड एक क्लॉज में कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है भाई। नेक्स्ट है इफ वर्ब के साथ, वर्ब की आई एन जी फॉर्म इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट शुड बी कंसिडर्ड सिंगुलर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, अगर वर्ब की आई एन जी फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो क्या सिंगुलर माना जाएगा और उसके साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब, जैसे वॉकिंग 10 किलोमीटर्स, तो वॉकिंग क्या हो गया, वर्ब क्या आई एन जी, तो इज आ गया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सिंगुलर वर्ब चाहिए इसमें। अगला है हेल्पिंग, फिर हेल्प मतलब वर्ब और हेल्पिंग मतलब वर्ब में आई एन जी फॉर्म, तो इसमें मेक्स आ गया, ठीक है, सिंगुलर, मेक होता है प्लूरल और मेक्स होता है सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट है बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, अगर प्लूरल सब्जेक्ट से ज्वाइन होंगे, ये हमेशा प्लूरल से ही ज्वाइन होंगे, तो इनमें आएगी प्लूरल वर्ब, ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेटिव तो है नहीं इसमें, तो ये तो सिंपल हो जाता है, जैसे एग्जांपल बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लूरल इंटेलिजेंट, सेवरल ऑफ देम वर प्लूरल क्लेवर, ठीक है। अगला है द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ, इन सब के साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, पहले आपको बता दिया मैंने प्लूरल के साथ आएगी केवल प्लूरल, बाकी सिंगुलर हो या अनकाउंटेबल नाउन हो उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आनी है। एग्जांपल द अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशिएंट, अ ग्रेट डील ऑफ वर्क इज लेफ्ट, ठीक है, तो ये एग्जांपल आते हैं आपके पास।